गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। फिर आगे चल के दोनों की कुछ पुण्य थे वो स्वर्ग में रहे। उसके बाद वो वेद विज वाली आत्मा तो स्वामी रामानंद हुआ, और वो सूर्या और दीपिका वाली आत्मा ये कमाली हुई। कमाली का जन्म मुसलमान धर्म में हो गया। अब मुसलमान धर्म में ये ज्ञान प्रवेश करना को बालकों का खेल नहीं, वो तो इतने आरूढ़ हो चुके हैं, वो उस ज्ञान और इस निराकार भगवान इस काल के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते। अब परमात्मा वहाँ पहुँचे, 10-12 वर्ष की लड़की थी तब उनसे मिले, उनको जो ज्ञान समझाया बेटी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उसी आधार से परमात्मा उस कमाली को मिले थे। कमाली बता रही है मुझे परमात्मा मिले थे जब मैं 12 वर्ष की आयु में थी, मेरा नाम राबिया था, और मैंने परमात्मा की ज्ञान से प्रभावित होकर के पिछले संस्कार भी कुछ काम करते हैं, मैंने नाम भी ले लिया, 4 वर्ष मैंने भक्ति भी की, शादी कराने से भी मना कर दिया था। अब क्या कहानी थी पुनात्माओं, ये राबिया 12 वर्ष की थी, परमात्मा मिले, इनको सारा ज्ञान समझाया, पिछले संस्कार से थे जो कि से धर्म में भी इसने परमात्मा को स्वीकार किया। 4 वर्ष तक पूरा संघर्ष किया आप समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, और सत साधना करती रही, और विवाह करने से मना कर दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, लेकिन माता पिता रूढ़िवादी गणे थे, रोटी खानी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, बेटी हम कहाँ मुँह दिखाएंगे, बेटी को घर पर कैसे रखेंगे। तो माता पिता के इस दुख को देखकर उसने स्वीकृति दे दी कि मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मन में ये सोच लिया कि मैं अपने पति से फैसला करूँगी। विवाह होता है तो मुसलमान धर्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसमें निकाह कबूल करना होता है, सामने दोनों बच्चों को बैठाकर पूछा जाता है, बेटी क्या तू इसे विवाह करना कबूल करती है, वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होता, नहीं तो नहीं होता है। तो वहाँ उसने स्वीकृति दे दी, ब्याह हो गया। एक बहुत बड़े नेक आत्मा बड़े अफसर साहब के उसका जो है ना विवाह हुआ, नाता जुड़ा। अब उस अपने पति को जा करके उस लड़की ने कह दिया, जी मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं शादी नहीं करवाऊँगी, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करवाना चाहती थी, मेरे माता पिता जी समाज को बहुत देख रहे थे, लोग लाज में ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उसने कहा कि आपने फिर निकाह कबूल क्यों किया था, संतान उत्पत्ति नहीं करेगी, मुझसे मिलन नहीं करेगी, तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया था, कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पिताजी लोक लाज के कारण घने दुखी हो गए थे। अब आप देख लो, यदि आप जी ने मेरी शर्त स्वीकार नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आपको टच नहीं कर सकती, मैं गृहस्थी नहीं कर सकती। अब वो घना दयालु आदमी था, नेक व्यक्ति था, उसने सोचा भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूँ, ऐसी देवी है, भगवान से डरने वाला था। उसने कहा देख राबिया बात सुन, ठीक है मैं तो और शादी करवा लूँगा, क्योंकि मुसलमानों में अनेक विवाह हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे आपके माता पिता की लाज थी ऐसे मेरे माता पिता की भी लाज है, आपको मैं अलग से दे दूंगा कमरा, और तू भक्ति जैसा भी करती रहना, संसार की दृष्टि में रहेगी मेरी पत्नी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन तुल्य होगी, तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तुझे पर्दे से बाहर नहीं रहने दूंगा। राबिया ने सुख का सांस लिया, हे अल्लाह बड़ी सुनी आपने मेरी। अब उस लड़की ने वहां देखा समाज में, क्योंकि 1, 2, 20,000, 1,00,000 सभी एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति की, परमात्मा वाली भक्ति को छोड़ दिया और वो लोक वेद वाली शुरू कर दी।
अपुनात्मा सत्संग के अभाव से अभी तक ये बिजली गिरती रही। अगर उस लड़की को रह रहकर सत्संग मिलता रहा होता, अपरमात्मा उन जो त्रुटियां समाज में होती हैं उनको अब पहले करके दिखा दी कि ये ऐसी बिजली गिरती है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता रह रहकर पड़ेगी आपको, तो अब विचलित होगी। और वही पूर्व वाली जो साधना अपने धर्म में थी वो करने लगी, नमाज नमोज और ये सब बकरीद ईद सब करने लगी। फिर होगी जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने अपने पति से कहा कि अब हज करना अनिवार्य बताते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं हज कराऊं। मुसलमान धर्म में ये माना जाता है जो हज कराते हैं तो वो सीधे स्वर्ग जाते हैं जब उनकी मृत्यु होती है, हज नहीं करता तो वो अभी वो मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। उसने देख लिया है बेचारी, कभी बाहर गली में मैंने किसी से बात करती भी नहीं देखी। कहा कि मैं आपके लिए कोई ऊँट व्यवस्था करवा देता हूँ और साथ में कुछ नौकर भेज देता हूँ। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊँगी, और भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब वो चल पड़ी, और जाने वाले कोई जा रहा था कोई नहीं आ रहा था, कोई किधर रस्ते में बैठ गया, तो वह सीधी चली जा रही थी। उसने क्या देखा कि एक कुएं के ऊपर एक कुतिया प्यासी खड़ी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बालक वो अलग पड़े थे, और वो इतनी प्यासी थी कि राबिया के चरणों की तरफ आई, फिर भाग दौड़ कर कुएं की तरफ झांका, फिर उसके पैरों की तरफ आई। अब राबिया ने देख लिया कि प्यासी बहुत है, वहां जाकर देखा कुएं पर कोई बाल्टी नहीं कोई रस्सी नहीं। अब उधर से उस कुतिया की दुर्दशा देख कर उस पर रहा नहीं गया। कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं है वो संत दरवेश, वो साधु कसाई के तुल है। अब उस लड़की ने कोई चारा नहीं देखा आसपास, कोई गांव झोपड़ी भी नहीं कहीं से को बाल्टी ने जू ले आऊं। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने सिर के बाल नो पाड़ दिए खसा खस खसा खस। आप पाड़ के देखो पांच चार बालों को एकदम नो खसा खस पाड़ दिए, कति सारे बाल पाड़ दिए, और उनकी फिर रस्सी बाटी आप लो आने होगी। रस्सी बाटी बहुत लंबी, गहरे पानी जल होता था। अपने कपड़े निकाल कर पहले मोटे कपड़े पहना करते थे खादी के रेजे के, और उसका बांध के नीचे जल में डबोए, और फिर निकाल के एक पात्र पड़ा था मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा गड़े का, उसमें निचोड़ा, फिर पानी निकाला, और कुतिया एक सेकंड में उसने जब वह पी जा और फिर नो मुँह की तरफ देखे, फिर दूसरा। अब ऐसे वह कुतिया छका दी, तृप्त किया और अपने बालों को रक्त से साफ किया और कपड़े पहन गए, चालन की तैयारी करी थी, इस प्रस्थान करना चाहा था। इतने में कहते वो मक्का जहाँ ये हज करने जाते हैं, मक्का में शीश निवाने जाते हैं, वो नो की नो बिल्डिंग उठ गए और ऐसे लग गई उस कुएं के साथ में जैसे गाड़ी प्लेटफार्म पर लग गया ग्रह। अब उस देख कर मक्के को राबिया तो दौड़ कर अंदर गई, दंडवत प्रणाम किया जैसा भी वहाँ करते हैं, सजदा किया। उसको स्वप्न सा हुआ कि मक्के मागी में तो वहाँ जो यथास्थान पर मक्का रहा नहीं, लोगों में हाहाकार मच गया, मक्का कहाँ गया मक्का कहाँ गया। एक अब्राहिम अधम सुल्तान नाम का एक भगत था जो पहले जन्म जन्मांतर में मालिक का शिष्य था, और वो भी ऐसे ही भ्रमित था। उसमें भी परमात्मा उनको कबीर जी मिले हुए थे, आए थे, और वो परमेश्वर के ज्ञान से परिचित था। वो मक्का में इस उद्देश्य से गया था कि तुम मुसलमान होते हुए मुसलमानों को समझा रहा था कि इस मक्के में भगवान नहीं है, अल्लाह तो इस तरीके से मिलेगा। अब वो परमात्मा की रजा से अब्राहिम सुल्तान जो पहले जन्म में था, उसका नाम और था पहले, अब वो प्रसिद्ध है इसलिए उसको कहा जाता है। वहाँ लोग पूछ रहे थे मक्का कहाँ गया मक्का कहाँ गया, और अब्राहिम सुल्तान अधम को पता था, परमात्मा ने कहा था उस नालायक लड़की ने बेटा नाम तोड़ दिया और वह साधना करने लगी जो पुरानी थी, कर्म बिगाड़ दिए। तो वो अधम सुल्तान कहते हैं कि गया रांड के लेन को, जो कहे अधम सुल्तान, सुल्तान अधम मक्के गया और मक्का नहीं मकान।
न कहे यो मक्का, मक्का मन मोक्ष स्थल उबरान सुल्तान कहता यो मक्का नहीं, यो तो एक ढूंढ है, मकान है। और गया रांड के लेन कूनो कह अदम सुल्तान। अब लोग नो कह किसको लेन गया कि एक रांड को लेन गया, मतलब कहने का भाव ये था उसका कि उस नालायक ने के जुल्म कर दिया भगवान की भक्ति छोड़ के, और उस भक्ति के कारण जो पीछे पुन कर रखे उस परमात्मा की, और फिर उस लीला से उसको ये इतनी सिद्धियाँ, ऐसा राहत मिल रही है, वो परमात्मा ऐसा दयालु है, उसने उस बेटी के लिए वहीं भेज दिया मक्का पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने। और भगवान पर अपना भगत दुखी नहीं देखा जाता। अब चाहे वो बेसिक डला ढो रहा था, जैसे टटीरी थी, महाभारत में एक प्रमाण आता है, और टटीरी तो किसी की उपासना भी ना कराया करती। उस समय जब उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में, उधर से सेना खड़ी होगी, आकल युद्ध की तैयारी होगी, तब तो उसने देखा तो जुल्म हो गया, तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडे मरेंगे, खत्म होंगे। तब उसने अंतःकरण से रोके भगवान से याचना की थी, मेरे अंडों की रक्षा करियो प्रभु। कहते हैं उसी समय ऊपर से एक इंद्र के हाथी का इतना भारा, हाथी का इतना बहुत बड़ा घंटा वाला जिसमें 88,000 मन बताते इतना वजन था, ऊपर से आकर उन अंडों पर गिर गया, महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, वहाँ दुनिया कटके मर गई, अंडा का आँच भी ना आन दी। अब वह तो कोई भक्ति भी ना करे थी टटीरी, फिर भी मालिक ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार से खुद कबीर भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। अब यही स्थिति थी राबिया की थी कि काल तो चाहता ये नास्तिक हो जा, और भगवान चाहते हैं कि इनमें मालिक की चाह बनी रहे, और जब ये कलयुग का ये समय आवे, इस समय है अब सबको पार करने का, यहां तक इस भक्ति को परमात्मा में आस्था को बनाए रखना था हमारे हृदय में। तो इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो मक्का उठाकर वहां उस बेटी के लिए भेज दिया। अब वहां अब्राहिम सुल्तान उसको लताड़ रहा है कि यो के ड्रामा दिखान लग रही है दुनिया की, वाह वाह हो जाएगी, बिया फूल के कुप्पा हो जाएगी, अपने कर्म बिगाड़ेगी, और वही बनी। जब मक्का वापस आया, देखा एक बहन को लेकर आ रहा है, उसका नाम राबिया था। पूरे मुसलमान धर्म में उस समय राबिया की महिमा ऐसी होगी कि भक्ति हो तो राबिया कैसी, भक्ति हो तो राबिया कैसी, भगत हो तो ऐसा हो, भक्तनी हो तो ऐसी हो। अब पुण्यात्मा आगे के बने उसके साथ, अगले जन्म में वो बंसुरी नाम की एक लड़की बनी, और वो इतनी भक्तमती थी, इतने फिर भी आस्था मालिक की उसके हृदय में थी। जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने सोचा, यूं कहते हैं जो मक्के में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भगवान प्राप्ति होती है, सीधा स्वर्ग जाता है, भिष्ट में जाता है। उसने सोचा इस तो बढ़िया और क्या अवसर होगा, मक्के में अपना सिर काट के और चढ़ा दिया, मृत्यु को प्राप्त होगी। अब सब जगह यूं हो गया कि बंसुरी गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में। अब स्वर्ग में कहाँ जाना था, अगला जन्म फिर उसका लड़की का हो गया, वो वैश्या बन गई, एक जीवन वैश्या का व्यतीत किया, और फिर उस परमात्मा की 4 साल की भक्ति एक सत्साधना करने से उसको ये मनुष्य जन्म और मिल गए। 2.5 जन्म और मिल गए इसको। अब उसका मनुष्य का जीवन केवल 12 वर्ष की आयु का शेष था, फिर उसका कहीं कई युगों तक मनुष्य जीवन शेष नहीं था। वो फिर शेख तकी के घर पे लड़की के रूप में जन्म था उसी लड़की का। और पुण्यात्माओं, उस दयालु ने अब उस आत्मा को पहले तक कर्म बनवाए, उनके सतयुग में उनके घर पर आए, और वो ऋषि पा करे थे, मालिक की बात सुनी को नहीं, अपने कर्म बिगाड़ेंगे, अपनी गलत साधना करते रहे। फिर त्रेता में फिर परमात्मा उनका उसी रूप में आए, उनसे फिर कर्म बनवाए, मालिक की सेवा करी, बचपन रूप धारण करा लिया उसी स्वरूप, और फिर वो एक रामानंद बन गया, एक या कमाली डके खाती अंडे। अब दोनों को फिर संभाला मालिक ने आके। अब परमात्मा कहते हैं तुमने ना पता मैं कितना दुखी हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो इस काल की भांग पी के अवराजी हुए फिरो हो। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी।
परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।